Hi students, this is Yogesh. Today discuss about second unit of my greatest Olympic prize. प्रथम रे देखो हमें प्रथम यूनिट पढ़ा टेक्स्ट पहला यूनिट टा सरीला माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज रो जेसी ओन्स जे कि बहुत सुंदर भाई तांकर स्टोरी के बनना करछन ताकर आज हमें सेकंड यूनिट पढ़वा ले कहि मैं प्रथम यूनिट टा सरीला प्रथम जन वीडियो दिया हिला ताकर पहला यूनिट टा सरी जे एबे हमें सेकंड यूनिट के कवर करमा देखो कम टू द टेक्स्ट पिला ने से टेक्स्ट को आसो जेसी ओन्स की परिभाव रे तांकर परफॉर्मेंस को मतलब नोइछन केनदा परफॉर्मेंस टा देखिछन केनदा करिछन से ऊपर हमें जानमा देखो ने से कही छन जे एन एंग्री एथलेट इज एन एथलेट हु विल जेने मेक जेने के मिस्टेक जे कोनोसी विरक्त भाव रो लोक ना हो ना जे कोनोसी राग भावना रो लोक हो जे भी रागी के किछि करे जाए बार किछि करे पर राग भावना रे हर बॉडी रे किछि जदी काम करे जे के हो ता माध्यम रे गोटे गलती होता है मिस्टेक होय से सेतिले कहि छन जे एंग्री एथलेट इज एन एथलेट दे हु विल मेक मिस्टेक जदि के विरक्ति भाव रे राग भावना रे किछि काम जदि हो न तो से राग भावना से कामटा कर जीवा तो कहीं ना कहीं से राग रे कोनोसी जगह रे से किछि भूल कर जाय बोले ये मतलब वर्णना करछन राइटर जेसी ओन्स ताको वर्णना करछन से कहन को जे एज जने एनी कोच विल टेक यू मतलब से गुरु हो ना कहे के मतलब कोच हो ना कहे के ओरे खेल रो से कोचर हो ना कहे के भी से देखि विरक्ति भावना के नै मतलब कोच रो भी मध्य भूल होई पारे बोली से वर्णना करछन तो ये सेतिले को जन आई वाज नो जेने एक्सेप्शन मो एथिरे किछि भी आपत्ति नै एक्सेप्शन पिला माने एक्सेप्शन ए एक्स सी ए एक्स सी ए पी टी आई ओ एन हला एक्सेप्शन आपत्ति आपत्ति ये कहछन मोर से नो एक्सेप्शन मोर किसी आपत्ति ना ये कथा कहवापी जे रागरे जेकोसी लोकंर मध्य भूल हो पारे से कौन जिन से कहते देख जे मतलब ऑन द फर्स्ट ऑफ द माय थ्री क्वालिफाइंग जम मोर तीन टा क्वालिफाइंग जम मध्य मोर प्रथम टा कौन होता आई लेफ्ट जेना कि फ्रम सेवरल इंचेस बियोंड जेना कि द टेक अफ बोर्ड मतलब पर नो जम मोर टेक अफ बोर्ड पिला मैंने टेक अफ बोर्ड जो आम गोटे गार थाए जो डेगवापी गोटे गार दिया था टेक अफ बोर्ड से आम जो मतलब लंब डिया मारू से टेक अफ बोर्ड कह जाए तो जैसे उनको कौन जे मतलब आई लिफ्ट फ्रम सेवराल इंचेस किसी इंचेसटा कण होता ना बियोंड मतलब आर पाखर से डेगे से टेक अफ बोर्ड जो थी बियोंड द टेक अफ बोर्ड जेने मतलब फर ए नो जम्प जेने से ये पे मन कर डेगवा रास्ता डिया मार रास्ता ये इन दौड़ कर तो इन जो गार मतलब गोड़ देख जो डेगार आके अच्छे तो जेसीओंस कौन करते ये टेक अफ बोर्ड गोटा क्रस होता है ये डेगी देवे तो ये डेगी टेक अफ क्रस होता तो जेनटा कि इंचेस आगर हो जाता जेनटा कि जम्पटा क्वाफाए हो पार ना बोले नो जम्प कहला डिस्क्वाफाए हो जाते से कौन देख इन कहीछन जे जेनटा वन ड सेकेंड जम्प प्रथम टा तो जहाँ लेफ्ट जाइला बेकार देन प्रथम मोर सेकेंड जम्प कली तीन थर क्वाफाइम होबार तीन थर रे से जम्प्रे क्वाफाइड जेन ट्वेल्व प्राक्ट चलूला तीन थर भितर ताको क्वाफाए करवार तो प्रथमटा कौन है ना प्रथमटा जेल्ला दौड़ी डेगला पीरियड से किसी इंचेस आगर डेगीदे मतलब टेक अफ बोर्ड तर आगर डेगीदे जेन डिस्क्वाफाए गले तर द्वितीयटा कौन है ना ऑन द सेकेंड जम्प आई वाज इवन मतलब रस आउ रस मतलब पिला मैंने रस डब्ल्यू ओ आर एस इ डब्ल्यू ओ आर एस इ रस मतलब अधिक मंद अधिक मंद अधिक मंद अधिक मंद अर्थ कौन पे आहरी खराब हो गला प्रथम तो जहाँ टिकेट बाडे दुई नंबर थर जो ट्राए कले आहरी से खराब होता मतलब ट्राएटा प्रचेषाटा ता आहरी बर्बाद होता तो डीड आई कम जेनेक इन कहन से निज भावन प्रकाश करीड आई कम जेनेक मतलब थ्री थाउजेंड माइल्स फर दिस् मुझ कौन ये डिस्क्वालीफाई हाँपाई मुझ कौन ये डिस्क्वालीफाई हाँ मोर लाइफ को कैरियर को मतलब बर्बाद करने मोर इमेज को खराब करने कौन मोर तीन हजार किलोमीटर एठाक आसीच्ची बोली से मनरे भावना प्रकाश करते मनरे जात करते कण करते जिते बार प्रथम थर डिस्क्वालीफाई है द्वितीय थर आहरी खराब होगा रिजल्ट आहरी से डिस्क्वालीफाई हो से भाविछन मुझे कौन मोर आ गोटे न मतलब क्वाफाए कर गोटे चान्स अच्छे आ से गोटे चान्स जब बर्बाद हो गले मोर मतलब पेरियडा लस हो मोर तीन हजार किलोमीटर दूर रू कहीं मतलब डिस्क्वालीफाई हाँपाई कौन मुझे आसीच्ची बोली से नहीं चिंता करछन से कहन ये डेटा ही कम जेने कि थ्री थाउजेंड माइल्स पर दिस् यही लगे मुझे डिस्क्वालीफाई हाँपाई एठाक आसीचे तीन हजार किलोमीटर दूर रू से कहन तो आई थट बिटरली है बिटरली मतलब पिला मैंने अफसेट है से चिंताधारा बहुत अफसेट थी
ला बिटली बी आई टी टी आर एल वर्ड बिटली मतलब अफसाइड तो से अफसाइड थे आई थट से भावनाटा भाविक से विषय को लेकर बहुत अफसाइड थे तो इन कह मतलब टू फेल इन द जिन द ट्रियल्स एंड जे मेक ए फुल ऑफ माइसेल्फ तो ये कहन जे टू फेल इन द ट्रियल्स जितकी भी ट्रियल्स गेम्स अच्छे से अलरेडी तेने फेल ही सारी दुजो जो तेने दुई थर क्वाफाए मतलब करने चेस्टा कर से दुई थर असफलता है सफलता हासिल कर असफलता पाखक असफलतार चबिकाठी मिलीजे तो से लगे फिल इन द ट्रियल्स एंड जे मेक ए फुल ऑफ माइसेल्फ से निजक निजे बोकामी सारी तर देख सी अलरेडी मतलब लंग जम्प्रे गोटे गोल्ड मेडालीस्ट थे सी जाणी जा जानी गोटे गोल्ड मेडालीस्ट जो भूल करवा तो आगे आउ नुआ नुआटा तमें आहरी भूल कर गोल्ड मेडालीस्ट भूल नहीं करार कथा से निजी बोकामी सही से कहते तो इन कह देख वर्किंग ए फ्यू इयर्स नहीं फ्रम द पीठ है वर्किंग ए फ्यू इयर्स किसी मतलब वर्किंग चली चली जावा किसी दूर को चली गली आ फ्रम ए पीठ जेने आई किक जेने डिस्गस्ट एट द ग्राउंड आम कि रागरे किसी निश्चित ना पूरा एपरी आम रागरे मतलब तल को आम गईठा मारी थो मतलब लाद मारी थो जो बहुत जोर से मारी थो तो सेपरी जेसी अंश की खराब लगी आउ टे आगे जाइए वर्किंग ए फ्यू इयर्स किसी आग को चली जाइए आ फ्रम ए पीठ जेने आई किक मुझे कहते मुझे आगे चली गली आज आई किक डिस्गस्टली डिस्गस्टली विरक्ति भाव डिस्गस्टली पे बुक देख डिस्गस्टली जेनता देख पे दिखे डिस्गस्टली डी आई एस जी यू एस डिस्गस्ट पे देख डिस्गस्टली विरक्ति भाव डिस्गस्टली विरक्ति भाव विरक्ति भाव से जिते देख से डिस्कस से विरक्ति भावना को लेकर खराब लगे अंडरग्राउंड में तल को से बहुत जोर से मारी कौन पे देख जे सडनली आई फेल ए हेड जिन ऑन माय शोल्डर हठात कौन हो गए घटना सडनली किए जन आसी लगी आसिकर है ऑन माय शोल्डर कंधार शोल्डर कह जाए कंधार किए गोटे हाथ देखते से कहे सडनली आई फेल मतलब भावना है हठात किए गोटे आसिकर हेड ऑन माय शोल्डर मोर शोल्डर को हाथा रखी से कहीन तो आई टर्न टू लुक इन टू दिनकि फ्रेंडली ब्लू आईज से मतलब जितने टर्न आई टर्न मुझे जो बुले पड़ी बस जैसी कह मुझे बुले पड़ी मो कंधार जो हाथ दे बाकी भले लगेगा मुझे जो बुले पड़ी देख ली कण आई टर्न टू लुक इन टू द फ्रेंडली ब्लू आईज से कंधा लगे सांग पर लगी कौन अच्छे आखि दुटा मतलब ब्लू आईज अच्छी मतलब नील रंगर अच्छी और द टल जर्मान जेनता कि लंग जम्पर से बहुत उच्चा अच्छे डेगा अच्छे अच्छे कि जर्मान गोटे लंग जम्पर है बोली से तापरे जानी पारे किए जैसी अंशा तापरे कौन है पे देख जो से घूमी पड़ कौन देखे गोटे डेगा पिला के देखिए बहुत जेनता कि नील नील आखि अच्छे बहुत उज्जवल अच्छे आखिर तो बहुत डेगा अच्छा आज जहाँ ना अच्छे जर्मान गोटे से लंग जम्पर अन् जेनता कि देख हि हेड इजिली जेने क्वाफाइड जेनता कि फर द फाइनाल्स जेनता कि अन् हिज जेनता कि फिफ्थ अटेम्प्ट जितने प्रथम सोर करूँ जे तीन थर क्वाफाए थ प्रथम ट्रियल चलूला टेस्ट होता से अति सहजे छब्बीस फुट टेकते तो से देख से थे कहीं सरप्राइज होते हैं आश्चर्य होते तो से ही पर्सन से ही थे आज कि कंधारे देते से बुले बुले देखले से जर्मान से लंग जम्पर रन आते जेनाक देख हि हेड इजिली से अति सहजे इजिली क्वाफाइड करते अति सहज क्वाफाइड करते से फाइनाल राउंड के पहुंची थे तापर कौन जो लेकिन हि जेनता हि अफर्ड मीए जेनता फर्म जेनता हैंडसेक से अफर्ड कले हैंडसेक करने फ्रेंड मानिक हैंडसेक करने से अफर्ड करते अफर्ड से कहते जेसीओंस कौन जे मत निजे अफर्ड कले हैंडसेक करने कौन है देख पे आपको जेसीओंस है आई एम लुलंग से कहते आसिकर जी ते लंबा चौड़ा डेगा अच्छा है सी आसुच्चे कहते जे जेसी हंस मतलब आई एम लाज लंग मु लज लंग अटे बोले से हैंडसेक कर हाथ बढ़ाई से कौन तो आई डोंट थिंक जेनता कि वी हाव मेड है मुझे भाभी नी मुझ विश्वास करी मुझे भाभी नी आम मन साक्षात हम ये किए कहते से लंबा चौड़ा डेगा पिला से कहते मुझे भाभी नी आम मतलब उभयर साक्षात हम एक मुझे चिंता करी बोले से कहते तो हि स्पोक जेनता इंग्लीश वेल थ उथ ए जर्मान ट्विस्ट टू इट से बहुत सुंदर भाव में जर्मान लैंग्वेज बहुत इंग्राजी सुंदर भाषा से ये कथा कहते मतलब मुझे चिंता करी मुझे भावि नी जे मतलब आम उभयर आम मतलब खिलाड़ी आम साक्षात हो मतलब भेट करवा देखा करवा मोर चिंताधारा ना बोली से कहीन हैंडसेक कर आगे देख कण पे जे ग्लाड टू मीट यू मुझ तुम सहित मतलब साक्षात करके अति खुशी अनुभव करुच्ची मत भल लगुच्छे से कहते ग्लाड टू मीट यू मुझे
आनंद अटे खुशीद अटे मु तुम सहित साक्षात कर तो से कहले तार आईसेट मुझे से कौन देख ये कौन देन ट्राइंग टू ये किए कहले किन व्यक्ति कहे ग्लाड टू मीट यू ना ये जैसी अंश कौन जे मतलब जाओ मुझे तुम संगे भेट पड़ कर बहुत खुशी हेली है ये कहीं से कथ कौन ना मतलब से आईसेट से कौन देन ट्राइंग टू इन हाइड माइ नर्भसनेस से कथा कहीकर से चेष्टा कर ट्राइंग से चेष्टा कर नर्भसनेस के लुकाबाला हाइट अर्थ लुचाइवा एच आई डी हाइट अर्थ लुचाइवा से तेने लुचाइवापी तक नर्भसनेस के लुचाबार लगे से कौन मुझे तुम संगे भेट पड़ कर बहुत खुशी हाँ बोली से कौन द आई आडेट हाउ आर यू से कथा के लुकाबार लगे क्या कहे देख हाउ आर यू तुम्हें कंता अस हेला पाने टे बायोमिस्टेक इन देख इन से कहते फिर ग्लाड टू मीट यू एक तो मतलब से लंबा लुई रंग रहा तर द्वितीय कहते देख जे मतलब ट्रेन टू हाइटनेस नर्भसनेस के लुकाबार लगे जेसी अंश ये कथ कह आई डेड हाउ आर यू तुम्हें केन्ता अच तक नर्भसनेस के लुकाबार के जे ये कौन मतलब आई आडेड से कौन मुझ आड कल जेसी अंश कथ कौन जे हाउ आर यू तुम्हें केन्ता अच बा तुम्हें किपर अच ये कथ के कहीं जो भल मन पचरा बोले से मतलब गेम रेल बाबा से कथा लुकी जावा तो से नर्भसनेस कथा नहीं पड़े तो से कथा के लुकाबार नहीं करें से लंबा जेनता कि लंग जम्पर के कौन जो तुम्हें केन्ता अस बोल कर देन तापर कण देख आई एम फाइन ये कथा किए कौन आई एम फाइन द क्वेश्चन इज माइन से कौन ये कथाटा ये सवालटा तो मोर हबार कथा से मतलब जेन जर्मान लंग जम्पर कौन मुझ तो भल अच्छे ये क्वेश्चन तुम्हें आपको पचरबार कथा जेनता कि मतलब हाउ आर यू तुम्हें केन्ता अस कहीं जेसी अंश हालत बिगड़ी जाइला न दुई थर डिस्क्वालीफाई होती आ गोटे चान्स न अच्छे तो से कथा ये कथा तो मुझे तुमको पचरबार कथा तुम मत के पचारो तो मुझे तो भल अच्छे बट जेनता दिस क्वेश्चन इज माइन ये क्वेश्चन टा तो मोर अटे तो हाउ आर यू तुम्हें केन्ता अस तो ये कहे व्हाट डू यू मीन आप कहार माने कौन बोले आप कौन कह चाहते व्हाट डू यू मीन तो आई एक्स मुझे कहली पचारी ये जेसी अंश कौन मुझे से पचारे तुम कहार कण चाहो कहार माने कण तो कण है बोला देख ये समथिंग मस्ट बी एडिंग यू हेल्ले कण कले ये समथिंग मस्ट बी एडिंग यू मतलब देख आंदोकित जेनता कि घाटुची मन भितर जेन कह से कथा बोली कथा इटिंग यू इन इटिंग बोले खावा कथ नुए पाने एटिंग अर्थ इन खावा कथ नुए जो ताने आंदोलित होकर जो मन भितर से गोटे कथ घाटुला से कथ को इन कहे ये समथिंग मस्ट बी मीटिंग यू है तुम कथ तुम भितर तुम मन भितर से कथा घाटी दौर किन कथा जिन दुई थर डिस्क्वालीफाई हो जाने गोटे चंपिन होकर गोटे यूनिवर्सिटी टपर होकर भी मतलब गोल्ड मेडालीस्ट होकर से जिते बिल कौन हो डिस्क्वालीफाई कर मुड़े सदा घाटू मुझे 3000 किलोमीटर आसी कौन यही डिस्क्वालीफाई हाँपाई ये कथ चिंताधारा जेसी अंश मुड़े घाटूला तो से कथ कि कह समथिंग मस्ट बी एटिंग यू तो से कथा खाई जाऊला मुंडे खाई जाऊला तो पे देख हि सेट जेनता देख प्राउड द वे जेनता कि मोर फ्रेनर्स जेनता कि आर व्वेन दे हेव जेन मास्टेड है ए बीट ए अमेरिकन स्लांगस जेनता कि सी कहन से बहुत गर्वित अटंते अमेरिका स्लांगस के नहीं फरेनर से अन्य बंधुत्व नहीं कर फरेनर तर वार्तालाप नहीं कर जेना दे हेव मास्टेड जितेबाला से मतलब मास्टेड बोले श्रेष्ठ जातिर युवक मानक भेटी आनंदित अनुभव होती अमेरिकन स्लांगस से जानते अमेरिका केमी हुए स्लांगस डिया कि हुए अमेरिकन स्लांगस बोले क्या पे ये इनफर्माल वर्ड जेनता इनफर्माल शब्द से कथा इनफर्माल वर्ड में भाषा है इनफर्माल शब्द में बहुत सुंदर भाव विषय में वार्तालाप चली तो यू सुड बी एबल टू क्वालिफाय जेने विथ योर जेनता आईज क्लोज ये कण कही पारे से मतलब लंग जम्पर जेनता कि ताने लज लमन से कौन तुम अति सहजे क्वालिफाई कर पार तुम पाखे से दक्षताटा अच्छे से यू सुड बी एबल टू क्वालिफाई विथ योर आईज क्लोज तुम आखि बंद करदे भी तुम आखि बंद करदे भी तुम क्वालिफाई करदेव हेल्ले तुम भूल लगे तुम डिस्क्वालीफाए कर लज लंग से हाई लंग जम्पर डा क्या जेसी अंश को बुझाऊन नेक्स्ट देख पे बिलीव मी मोरे विश्वास रख बोले आई नो इट मुई कथा जानी मोरे ट्रस्ट अच्छे बिलीव मी मोरे ट्रस्ट रख आई नो इट कथा मुझे जाने आई टोल्ड हिम जेना कि आई टोल्ड हिम एंड जेना इट फेल गुड टू जेना कि से दैट टू जेना कि समवान ये कौन आई फेल जेना गुड मोर तो भावना होती मो मो भल मतलब भल भावना नहीं कर प्रकाश कर सी कथा कही कहूँ कि दैट समवान इन कह फर द नेक्स्ट जेना कि फ्यू मिनिट्स किसी अल्प समय पर कौन घटे पे देख इन कहे फर द नेक्स्ट जेना फ्यू मिनिट्स किसी समय बीतीगला हि टक् जेना टुगेदर आम कौन कह किसी समय बीतीगला आम एकाठी होगा वी टक् से कौन टक् वी टक् है टुगेदर एकाठी वार्तालाप आम मान वार्तालाप एकाठी होगा तो ये आई डी नट जेना कि टेल जेना कि लंग आई डिट नट जेना कि टेल लंग जेना ह्वाट व्वाज इटिंग मे तो इन कहे देख आई डिट नट टेल है ये कथा मैंने से कही नी लंग जे ह्वाट व्वाज जेनता कि इटिंग मी
ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳିତ ବା ତାଙ୍କର ସେ ଭାବନାଟା କ'ଣ ଥିଲା ମତଲବ କାଣା ଥିଲା ସେ କଥା ସେ କିଛି ସେୟାର ନେଇ କରିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ବଟ୍ ଏଇନା କ'ଣ ଦେଖ ବଟ୍ ହି ସିମ୍ଡ ଯେ ନାଇଁ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାଇ ଏଙ୍ଗର ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସେ କହିଲେ ମୋର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାଇ ଏଙ୍ଗର ମୋର ସେ ଏଙ୍ଗର ଭାବନାକୁ ମୋର ରାଗ ଭାବନାକୁ ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଆଉ ମୋତେ ମୋର କୋପରେଟ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍। ତାପରେ ଏଇନା ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଣ୍ଡ ଯେନ୍ତା ହି ଟୁକ୍ ପେନ୍ସ ଯେନ୍ତାକି ଟୁ ଯେନ୍ତାକି ରେସିଓର୍ସ ମି ରେସିଓର୍ସ ବୋଲେ ଆଶ୍ୱାସନା ତାପରେ ମୋର ଭାବନାକେ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାମାନେ ମୋର ଟିକେ ଲୁକାବାରକେ ଚାହୁଁଥିଲି ମୋର ହାଇଟ୍ ମୋର ନର୍ଭସନେସ୍କେ ହାଇଟ୍ କରିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଥିଲି ତ ସେ ଜିନିଷଟା ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ସେ ମୋତେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରେସିଓର୍ସ ଆଶ୍ୱାସନା ରେସିଓର୍ସ ମି ପିଲାମାନେ ଆଶ୍ୱାସନା ରେସିଓର୍ସ ଇନ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ ରେସିଓର୍ସ ରେସିଓର୍ସ ଆଶ୍ୱାସନା ଆଶ୍ୱାସନା ବୋଲେ ଜଣେକି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବାଟା ହେଲା ତାକେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ସେ କଥା ସେ କହିଛନ୍। ରେସିଓର୍ସ ବି ମୋର କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ମୋତେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍। ଦେନ୍ ଆଉ ଏଇନେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯେ ଅଲ୍ ଦୋ ଯେନ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ଯେନ୍କି ମତଲବ ସୋଲ୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ନାଜିସ୍ ୟୁଥ୍ ଯେନ୍କି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇଏ କହୁଛନ୍ ଦେଖ ନ ବୋଲେ ସୋଲ୍ଡେଡ୍ ମତଲବ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯିଏ ଆଗରୁ ତାମାନେ ତାଲିମ କରିସାରିଥିଲେ ସେନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇସାରିଥିନ ତାକୁ ସେ ଜିନିଷ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ଯେନ୍ ସୋଲ୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ନାଜିସ୍ ୟୁଥ୍ ଯେନ୍କି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ହି ଡିଡଣ୍ଟ ଯେନ୍କି ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଦ ଯେନ୍ ଆରିଅନ୍ ସୁପରମେସି ବିଜନେସ୍ ଯେନ୍କି ଏନି ମୋର ଦେନ୍ ଆଇଡିଟ୍ ତାହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ ଯେ ତ ଆରିଅନ୍ ସୁପରମେସି ମତଲବ ଯେନ୍ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାଣା ଥିଲେ ନାଜିସ୍ ୟୁଥ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ମତଲବ ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଆଗରୁ ତାହେଲେ ନିଭେଇ ସାରିଥିଲେ ନ ଯେନ୍ଟାକି ସେ ନିଜେକେ ନିଜେ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନି ପାରନ୍ ସେ କଥାକେ ସେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ ବୁଝେଇଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ତୁମେ ସେ କଥା କରିପାରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମତଲବ ସିଦ୍ଧସ୍ତ କରାଯାଇଛି ବା ବୁଝାଯାଇଛି। ତ ଇଏ କହି ଦେଖ ୱି ଲାଫ୍ଟ ଯେନ୍ଟାକି ଓଭର୍ ଦ ଯେନ୍ଟାକି ଫେକ୍ ଦ ହି ଯେନ୍ଟାକି ରିଏଲି ଲୁକ୍ଡ ଯେନ୍ଟାକି ଦ ପାର୍ଟ ଯେନ୍ଟାକି କହିଛନ୍ ଯେ ୱି ଲାଭ୍ ଆମେ ମାନେ ଉଭୟ ସେ କଥାକୁ ନେଇକରି ହସିଲୁ ହେଲା ୱି ଲାଭ୍ ଆମେ ହସିଲୁ କହିଛନ୍। ତ ଓଭର୍ ଦ ଇନ ସେ କାଣା ଦେଖ ବୋଲେ ୱି ଲାଭ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଓଭର୍ ଦ ଯେନ୍ଟାକି ଫେକ୍ ଦ ହି ଯେନ୍ଟାକି ରିଏଲି ଲୁକ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଏ ଦ ପାର୍ଟ ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବରେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଲେ ସେ ବିଷୟକୁ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଦୋ ଏନେ ଯେ ଇଞ୍ଚ ଯେନ୍ଟାକି ଟଲର୍ ଦେନ୍ ଆଉ ସେ କଥା ବୁଝିକରି ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ଭିତରେ କାଣା ଥିଲା ଦେଖ ଏନ୍ ଇଞ୍ଚ ଏନ୍ ଇଞ୍ଚ ବୋଲେ ଗୋଟିଏ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଥିଲା ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲା ଇଏ କହୁଛି ଏନ୍ ଇଞ୍ଚ ଯେନ୍ଟାକି ଟଲର୍ ଦେନ୍ ବୋଲେ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମତେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଡେଙ୍ଗା ଥିଲେ ଜେସି ଅଂଶରୁ ନେଇକରି ସେ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପରଟା ଯିଏକି ଲଜ ଲଙ୍ଗ କୁହାଯାଉଛି ସେ କାଣା ଥିଲେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚଟା ତାଙ୍କର ଡେଙ୍ଗା ଥିଲେ। ତ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଆଇ ହେଟ୍ ମତେ ଆଇ ହି ହେଡ୍ ଏ ଲିନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ମତେ ଆଇ ହି ହେଡ୍ ଏ ଲିନ୍ ସେ ପରଫେକ୍ଟ ଥିଲେ ଲିନ୍ ମତଲବ ପରଫେକ୍ଟ କ୍ଲିଅର୍ ଥିବା ଯେନ୍ଟାକି ହେଲା ସେ ପରଫେକ୍ଟ ଥିଲେ ହେଲା ହି ହେଡ୍ ଏ ଲିନ୍ ସେ ପୁରା ସଫା ଥିଲେ ପରଫେକ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣେ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍। ତ ମସ୍କୁଲାର ଫ୍ରେମ୍ ତାଙ୍କର କେନ୍ତା ଦିଆ ଥିଲା ସେ ପରଫେକ୍ଟଲି ବଢ଼ିଆ ହାଇଟ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କର କାଣା ଥିଲା ମସ୍କୁଲାର ଫ୍ରେମ୍ ଥିଲା ବଡି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ପୁରା ତାର ବଡି କଭର୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍। ତା ସାଙ୍ଗେ କାଣା ହେଉଛି କ୍ଲିଅର୍ ବ୍ଲୁ ଆଇଜ୍ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଦୁଇଟା ଆଖି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ଦେଖବାର ଲାଗି ତାହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ ଯେ ଫେୟାର ହେୟାର ଏଣ୍ଡ ମତଲବ ଏ ଯେ କାଣା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଲିଂ ଯେନ୍କି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହେଲା ଯେନ୍କି ପ୍ରଭାବିତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଲିଂ ମତଲବ ପ୍ରଭାବିତ ସେମାନଙ୍କ କାଣା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲାକି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଥିଲେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଲେ ପ୍ରଭାବିତ ଲାଗୁଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଥିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ଏ କାହା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି ନା ଲଜ୍ ଲଙ୍ଗର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେ ସବୁ ମତଲବ ଉଚ୍ଚା ଥିଲେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚର ଦେଖାଲେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲେ ମସ୍କୁଲାର ଫ୍ରେମ୍ ଥିଲା ବଡି ଭଲ ଥିଲା ହେଲା ବ୍ଲୁ ଆଇଜ୍ ଥିଲା ଫେୟାର ହେୟାର ଥିଲା ବାଲ ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥିଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଥିଲେ ଏ କଥା ସବୁ ସେ ଅନେକ ସାରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ ତାଙ୍କର ଫେସ୍କେ ନେଇକରି ଫାଇନାଲି ହେଲା ସେଇଂ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖ ଦେଟ୍ ଆଇ ହେଟ୍ ଯେନ୍ତାକି କାମ କାମ ମତଲବ ବୋଲେ ଶାନ୍ତ ହେଲା ସି ଏ ଏଲ୍ ଇନେ ଦେଖ ବୋଲେ କାମ ସି ଏ ଏଲ୍ ଏମ୍ ଇ ଡି ଇନ କାମ ଦିଶି ବୋଲେ କାମ ମତଲବ ଶାନ୍ତ ହେଲା ଶାନ୍ତ ରହିବାରଟା କାମ କୁହାଯାଇଛି ଶାନ୍ତ। ତ ଇଏ କଥା ସେ ଯେଉଁ କାମ ଇନେ ସେ ଦେଖ କାମ ଡାଉନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ସମୁଆଟ କିଛି କଥା କରି ସେ ଶାନ୍ତ ଟିକେ କିଛି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କହୁଛନ୍ କମ୍ ଡାଉନ୍ ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଅ ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଅ ଏଙ୍ଗର ନିଅ ବୋଲି କଥା ମତେ ତାଙ୍କ ବୁଝାଉଥିଲେ ବୋଲୁଛନ୍। ହି ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଇନ ଦେଖ ଇନ କହୁଛି ହି ପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଟୁ ଦ ଯେନ୍ତା ଟେକ୍ ଅଫ୍ ବୋର୍ଡ ସଦାବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଲାଗି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ବୋର୍ଡ ଯେଉଁ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ବୋର୍ଡ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଉଥିଲି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଦାବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ତମେ ସେ ପଏଣ୍ଟକେ ତାହେଲେ ଯେ ମୋତେ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ବୋର୍ଡକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି ଟେକ୍ ଅଫ୍ ବୋର୍ଡକେ ମତଲବ ପଏଣ୍ଟେଡ୍ ରଖବାର ଅଛି ତାଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଟେକ୍ ଅଫ୍ ବୋର୍ଡ ସେଇ ଜାଗାକେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖବାର ଅଛି। ତ ଲୁକ୍ ଦେଖ ହି ସେଟ୍ ସେ ବତାଉଛନ୍ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଜେସି ଅଂଶକେ କି ଏଲ ଲ ଲୁକ୍ ଦେଖ ହି ସେଟ୍ ସେ କହିଲେ ଯେ ହ୍ୱାଏ ଡୋଣ୍ଟ ୟୁ ଡ୍ର ଏ ଲାଇନ୍ ଏ ମତଲବ ଫ୍ୟୁ ଇଞ୍ଚେସ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଏଟ୍ ଦ ବ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଦ ଯେନ୍ଟାକି ବୋର୍ଡ ଏନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଏମ୍ ଟୁ ଯେନ୍ଟାକି ମେକିଂ ୟୋର୍ ମତଲବ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଫ୍ରମ୍ ହିୟର୍ ବୋଲେ ଫ୍ରମ୍ ଦିଆର୍ ଏ ଜାଗାରେ ସେ କହୁଛନ୍ ଯେ ତୁମେ କାହିଁକି ହି ସାର୍ ସେ କହିଲେ ହ୍ୱାଏ ଡୋଣ୍ଟ ୟୁ ଡ୍ର ଏ ଲାଇନ୍ ଯେନ୍ ତୁମର ଲାଇନ୍ କଟା ହେଇଛେ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ବୋର୍ଡ ଅଛେ ହେଲା କାହିଁକି ତୁମେ ତାର ପଛାଡ଼ୁ ଟିକେ ତାମାନେ ଗୋଟେ ମତଲବ ଗାର ଟାଣି ସେ ଗାରରୁ ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ମତଲବ ଡିଆଁ ମାରିବ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍। କାହିଁ ଲାଗି ତାମାନେ ଇନ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ବୋର୍ଡ ଯଦି ଅଛେ ଟିକେ ଯଦି ଆଗେ ହେଉଛେ ତ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଯିବ ତାର ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ପଛୁ ଆମେ ଗାର ଟାଣି କାହିଁ ଡିଆଁ ମାରୁ
इन टेकअप किसी इंचेस पछाड़ डिया जब मारमा तो क्वाफाए हमा बोली मतलब लज लंग डाइजेसन को प्रवेशन कौन से कहले मतलब ड्र ए लाइन जेन फ्यू इंचेस बोले अल्प इंच जेन लाइन कटा है तरह अल्प इंचेस गोटे ड्र करवार अच्छे गोटे लाइन टे नार अच्छे आने को फ्यू इंचेस एट द बैक ऑफ द जेन कि बोर्ड जेन तुम बैकअप बोर्ड अच्छे से इंचेस गोटे लाइन टे ना ड्र ए लाइन करा अच्छे से नुक मतलब सलांग लगावर अच्छे जम्प करवार अच्छे बोले से बुझेचन जेन तरह क्या देख एम एड जे मेकिंग योर जेन टेक अफ जेन फर्म दिवार से देखार अच्छे तपर क्या है यू विल बी जेन स्योर जेन नट टू फोल मुझे पूरा जानते यू विल बी नट स्योर टू फोल बोले से मतलब स्योर इन आउ भकुआ ना बोले भोकाम भूल ना हुए तो आम भूल ना पढ़ुवा जेन भूल ना हुआ बोले से कही तो एड यू जेन सर्टेनली जेन अट टू जम्प फर जेन एनाफ टू क्वाफाए तो ये क्या कहे देख जे एंड यू बोले से कह तुम्हें सर्टेन नो अट टू जम्प जेन फर एनाफ जेन कि नट टू क्वाफाए गोटे जम्प्रे तुम से क्वाफाए कर अति सहज अति सुंदर से क्वाफाए करने कहीन तो व्हाट डज इट जेन मैटर इफ जेन यू आर नट जेन फास्ट इन द ट्रियल्स इटा मैटर ने से बुझाऊन मतलब लंग जम्प से बुझाऊन जैसियन को कम्प्लीट कर व्हाट डज इट मैटर जेन इफ जे यू आर नट जेन फास्ट इन द ट्रियल्स मैटर इटा नहीं कहवा जे तुम तेना ट्रियल्स प्रथम थर तुम क्वाफाए नहीं हेल बोली है मैटर नहीं आम क्वाफाए जिते बेले भी हेले भी हमको चलवा केत क्वाफाए हेले भी चलवा से कथा ना से बुझा जाए मतलब व्हाट जेनता कि डच मतलब इट मैटर इफ यू आर नट तुम इटा मैटर नहीं करवा जे फास्ट इन द ट्रियल प्रथम ट्रियल तुम सक्सेस नहीं है से कह टुमरो इज व्हाट जेन काउंट आसंता समय तुम काउंट हाँ है से जगह तुम मैटर कर क्वाफाए हेबार मैटर इटा नहीं करवा आम थे क्वाफायर बोले से कथा बुझाले जो सडनली सडनली ऑल द टेंशन जेन सीम टू जेन बी आउट मतलब पिला मैंने गो आउट मीन जगह गो आउट एफ आउट सरी एफ आउट इ बी एफ ओ यू एफ आउट मीन गो आउट एफ आउट मीन गो आउट है इनसे कौन कह देख पाने तो सब टेनसन टा सब बाहरी जाइए सडनली से टेनसन टा कणा है जेन कि गो आउट जेन माई जेन बडी एज दिन ट्रुथ अफ जेन ह्वाट हि जेन सेट हिट मी तर बडी से टेनसन टा बाहरी गला बडी मोर बाहरी गला कहे वास्तव कथा के फलो कर से कह देख हिट मी से कहे देख ये कन्फिडेन्टली कन्फिडेन्स के जग्रत कर कन्फिडेन्स आसी कन्फिडेन्टली आई ड्र ए लाइन से पूरा कन्फिडेन्टली गोटे लाइन टे कर मतलब आई मतलब ड्रो ए लाइन ए फुल जेन कि फुट बिहाइंड गोटे पाथ मतलब से तो लच लंग तो कहते किसी इंचेस टेकअप बोर्ड रू कि इंचेस गार गोटे टाणी कर देखार लगे कही क्वाफाए बोले हेल्ली ये क्या गोटे पूरा पाथ गोटे फुटे पूरा गोटे फुटे मापीछन आ फुट पछाड़ से गोटे लाइन बोर्ड दे दीछन तो हेती लगे फुल फुट जेनता कि बिहाइंड द जेन बोर्ड एंड जेन प्रोसीडियर टू जे जम फ्रम देयर आने गोटे प्रोसीडियर करछन बोले इन जो टेकअप बोर्ड अच्छे बोले गोटे फुट पूरा इे घुची आईन आने पूरा गार देन आई जगह से स्लांग मारीछन क्वाफाए करवार लगे तापर से जिनटा होती है तो आई क्वाफाइड जेन विथ अलमोस्ट भी जेन फुट जेन टू स्पेयर तपर से क्वाफाए सक्सेसफुल अलमोस्ट बढ़िया सुंदर भाव से ताने से क्वाफाए कर क्वाफाए कर देख देख पे यहाँ तुम दुई नंबर स्टाजारे दुई नंबर स्टाजार सरी दुई नंबर यूनिट था आ दुई नंबर यूनिटा काना था जेसियंस आसन से जहाँ कि जेसियंस आसवा लगे जितने से आईसन तर भर गोटे अभिजन जहाँ थे से एंगर भाव में कही जदि कहीं भी व्यक्ति जो रिश्मी यदि कैंसी काम कर जाए तेरे कैंसी जगह भी भूल पार्सी यानी कि कोच भी है तो कोच भी है जो राग भावन से जो किसी कौन तो सुनिश्चित रूप में भूल हाँ कहीन तपे से कहीन से मोर किसी आपत्ति नहीं ना बोली कहीन तर भर तार जम्र कथा उठी जम्प आसी जेन तेने अलमोस्ट तेने पहला गोटे रियल से जेन जे छब्स फुट डेकी से कथा के नहीं करे तेने चिंतित रही प्रथम डेकी टेकअप बोर्ड टी मतलब गोटे इंच रगू डेकी डिस्क्वालीफाए गले आ द्वितीय थर प्रचेषा करते द्वितीय थर भी कणा है आहरी तेने खराब होता से रिजल्टा तो तार से बहुत मन दुख कर मतलब किसी दूर जे से मतलब गईठा मारीछन दल भूमि को जमी को आ बहुत राग हो ठीक टाइम गोटे मतलब से लज लंग सांग रंधार हाथ देछन से बुझेछन कहीछन देखीछन
से बहुत गोटे लंबा थिला जेना कि जर्मान मतलब लंग जंपर थिले से आसीजन कहीजन तुम अति सहज रे मतलब क्वालिफाई कर पार है तुम मतलब आम टेक अफ बोर्ड रेनाक आम आगुरी डेकबार कण अच्छे पचरू टी कि चिन्ह देवा देखा तो अति सहज क्वालिफाई यपरी भाव में भितर बंधुत्व भावना जहाँ थे आ बंधुत्व भावना से तमें आर कर दिन से फिल्ड में कंपिटन फाइनाल जम्प आसवार लगी मतलब लज लंग डाइजेसन को बहुत भावना भिन्न भिन्न थारे बुझाई बिलीव कर कन्फिडेन्स को फेराई टेक अफ बोर्ड किसी इंचेस जो पचारू डेगा जाए तो क्वालिफाई हम आज नहीं फाइनाल पहुंची पार ये कथा ये कथा भी आ टेक अफ बोर्ड गोटे फुट रछाड़ू से गार भी देन ड्र लाइन कर डेगीछन भी आ क्वालिफाई कर नेक्स्ट आम यूनिट थ्री पे पढ़ा यूनिट थ्री पढ़ा जे से फाइनाल के पहुंची पार्छन जेसियंस कि ना ये कण हूँ घटनाटा नेक्स्ट आने ठीक अच्छे पिला मैंने नेक्स्ट क्लास के मतलब वेट फॉर वॉच नेक्स्ट क्लासेस ओके ओके पिला मैंने।